मूवी की स्टार्टिंग में एक सुपर हीरो कंपनी के हेड को दिखाते हैं जहां सभी सुपर हीरो काम करते थे। फिर हम कहानी में यूवी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा बात कर रहा था। फिर द सेवन का एक सुपर हीरो ईट्रेन यूवी की दोस्त से टकरा जाता है। वह उसकी दोस्त को इतनी तेजी से मारता है कि उसके वहीं पर चीतड़े चीतड़े उड़ जाते हैं और यूवी के हाथ में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ रह जाते हैं। इस एक्सीडेंट के कारण यूवी पूरी तरह शॉक में चला गया था। दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जिसके पास सुपर पावर थी। उसने द सेवन टीम के लिए ऑडिशन पास कर लिया था। अब उनकी टीम का एक आदमी स्टारलाइट को उसका ऑफिस दिखाने ले जाता है, लेकिन वहाँ वह उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। स्टारलाइट समझ जाती है कि यह सभी सुपर हीरो केवल अच्छे होने का दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ सुपर हीरो की टीम का एक आदमी यूवी के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देकर वह ई ट्रेन के बारे में चुप रहने की कहता है, जिसने उसके दोस्त को टक्कर मारी। लेकिन यूवी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। यूवी इस कंपनी के खिलाफ केस करना चाहता था, लेकिन यूवी के पिता उसे बताते हैं कि इन चीजों को कोई फायदा नहीं है, वे लोग बहुत पावरफुल हैं। यूवी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया था। एक दिन उसकी मुलाकात बिली नाम के एक आदमी से होती है। वह खुद को FBI का एजेंट बताता है। बिली यूवी को अपने ठिकाने में ले जाता है ताकि इन भ्रष्ट सुपर हीरो की असलियत दिखा सके। अब यूवी यहाँ आता है और ई ट्रेन की बात सुनता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे अपने दोस्त को मारने का कोई अफसोस नहीं था, दरअसल वह अपने दोस्त के साथ उसकी मौत का मजाक उड़ा रहा था। यह देख यूवी को काफी गुस्सा आता है। वह बिली से मिलकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। बिली यहाँ प्लान बनाता है कि तुम इस कंपनी द्वारा दिए गए पैसे ले लो, लेकिन उसे यह भी कहो कि ईड्रेन को तुमसे अलग से माफी मांगनी होगी और इसका फायदा उठाते हुए हम उनके हेडक्वार्टर में एक माइक्रोफोन लगा देंगे ताकि हम सब कुछ सुन सके। लेकिन यूवी इस बात से डर जाता है और मना कर देता है। वह बाहर आकर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है जहां उसे स्टारलाइट मिलती है। वह भी बहुत परेशान थी। जब दोनों एक दूसरे को अपनी परेशानी बताते हैं, अब यूवी स्टारलाइट की बातें सुनकर डील डन कर देता है कि वह बिली की बात मानेगा। अब वह उनके हेडक्वार्टर जाता है और प्लान के अनुसार वहाँ माइक्रोफोन इंस्टॉल कर देता है। लेकिन एक सुपर हीरो उसे ऐसा करते देख लेता है जिसे इनविजिबल मैन कहा जाता है, यानी उसके अंदर गायब होने की शक्ति थी। वह उसे यह सब करते हुए देख लेता है। वह यूवी का पीछा कर उसकी दुकान पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि वह यूवी को नुकसान पहुंचा पाता, बिली वहां आ जाता है जो इनविजिबल मैन को अपनी कार से उड़ा देता है। फिर वे दोनों किसी तरह उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम इन सुपर हीरो की कंपनी के हेड को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है जो सुपर हीरो पर छूट मांग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कंपनी अपने सुपर हीरो को गार्ड की तरह अमीर VIP लोगों को प्रोवाइड करवाती थी। वह आदमी हेड को धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे छूट नहीं दी तो मैं सबको कंपाउंड वी के बारे में सच बता दूंगा और आखिर यह कंपाउंड वी का राज क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। हेड धमकी से डर उस आदमी की बात मान जाती है। अब जब वह आदमी अपने बेटे के साथ जहाज पर जा रहा था तो उसी टीम का सुपर हीरो उस जहाज को उड़ा देता है। होमलैंडर जो द सेवन टीम का लीडर था उसे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फिर हम बिली को देखते हैं जो इनविजिबल मैन को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। यहाँ यूवी को पता चलता है कि बिली FBI एजेंट नहीं है, वह एक साधारण आदमी था जो द सेवन की टीम से बदला लेना चाहता था। ये लोग इनविजिबल मैन को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। गायब होने के साथ साथ उसके पास एक और ताकत थी, वह अपने शरीर को हीरे की तरह मजबूत कर सकता था। ये लोग उसे जल्दी मार डालना चाहते थे क्योंकि इन सुपर हीरो के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस था। बिली सोचता है कि अगर उसने इनविजिबल मैन को नहीं मारा तो जल्दी सुपर हीरो की टीम उनको ढूंढ लेगी और उन्हें मार डालेगी। बिली उसे मारने के लिए एक खास तरह की गोली भी बनाता है, लेकिन वह गोली उसका कुछ भी नहीं कर पाती। उल्टा जिस पिंजरे में उन्होंने इनविजिबल मैन को बंद किया था उसमें एक छेद हो जाता है जिसके जरिए उसकी टीम उन्हें सैटेलाइट के जरिए ढूंढ सकती थी। उसके बाद बिली अपने एक दोस्त के पास जाता है जो CIA एजेंट थी। वो उससे कहता है कि मैं इनविजिबल मैन को मारने वाला हूँ और जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन बताओ, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। लेकिन वह बिली को कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टारलाइट एक लड़की को बचाती है। उसे बचाते समय कोई उसका वीडियो बना लेता है। इधर बिली के दोस्त को भी इनविजिबल मैन के बारे में सब कुछ पता लग गया था। वह कहता है कि उसका शरीर बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से वह एक आम इंसान की तरह है, इसलिए हम उसको अंदर से बॉम्ब से उड़ा देंगे। यह सुनकर इनविजिबल मैन भी डर जाता है और ईड्रेन के बारे में बताता है। इनविजिबल मैन को ढूंढते होमलैंडर भी वहां पहुंच गया था। दूसरी ओर लड़की को बचाने वाला स्टारलाइट का वीडियो वायरल हो गया था, इसलिए अब सुपर हीरो की टीम उसे वापस अपनी टीम में रख लेती है। बिली इनविजिबल मैन की बॉडी को एक बॉक्स में बंद कर द सेवन की टीम को एक धमकी भरा लेटर लिखता है। फिर वह ईड्रेन की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं जिसका पता उन्हें इनविजिबल मैन ने बताया था। वह उसके
घर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। फिर उन्हें यह राज पता चलता है कि एड्रियन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी नामक ड्रग लेता है। जिस दिन उसने यूवी की गर्लफ्रेंड को मारा था उसने वही ड्रग ले रखा था। इधर बिली की टीम में एक और आदमी शामिल हो गया था। अब ये लोग अपनी टीम को द बॉयज नाम देते हैं। दूसरी तरफ उन्हें एड्रियन के बारे में यह भी पता चलता है कि वह एक रेस में हिस्सा लेने जा रहा है जिसमें जाने से पहले फिर से कंपाउंड वी ड्रग लेने वाला है। बिली और उसके दोस्त प्लान करते हैं कि वे वहां जाकर कंपाउंड वी को चुरा लेंगे। एड्रियन भी उस रेस में जीत चुका था। यह सब कुछ टीवी पर उसकी दोस्त भी देख रही थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह टीवी पर बताता है कि वह अकेला है, उसका कोई भी खास दोस्त नहीं है। इससे उसकी गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ बिली के दोस्त एड्रियन के घर आकर कंपाउंड वी को ढूंढ रहे थे। उधर एड्रियन की बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है। वह भी उस कंपाउंड वी को लेकर अपने ही घर के मालिक को मार देती है। यह सब द बॉयज की टीम यानी बिली यूवी ने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि उन्होंने उसके घर में कैमरा लगा रखे थे। फिर वे इस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं कि वह उन्हें एड्रियन के बारे में सब कुछ बता दे। दूसरी तरफ होमलैंडर को इनविजिबल मैन की लाश मिलती है जो छोटे छोटे टुकड़ों में थी। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। वहाँ बिली अपने CIA एजेंट दोस्त के पास जाता है और उसे एड्रियन की दोस्त का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह कंपाउंड वी ड्रग ले रखी थी। वो कहती है ऐसे खाली वीडियो से कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इस दवा का सैंपल लाना होगा ताकि हम इसे पूरी दुनिया को दिखा सके। अब उन्हें कंपाउंड वी की लैब पता चल जाती है जहां वो इस दवा का टेस्ट करते थे। यहां एड्रियन ने एक लड़की को कैद कर रखा था। वहां वो उस लड़की पर कंपाउंड वी का एक्सपेरिमेंट करते थे जिस लड़की को उन्होंने कैद किया था। बिली और उसके दोस्त उसे रिहा करवा देते हैं लेकिन वो लड़की सबको मारकर वहां से भाग जाती है। वहां बिली यूवी को स्टारलाइट के साथ भेजता है ताकि वो उसका मोबाइल हैक कर सके। फिर हमें होमलैंडर दिखाया जाता है जो जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ क्वीन भी थी, वे उस जहाज को बचा सकते थे पर वे नहीं बचाते और खुद अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि होमलैंडर एक बुरा इंसान है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसकी वजह से कितने मासूम लोग मारे गए, लेकिन उसकी साथी क्वीन इस बात से बहुत दुखी थी। वहाँ जो लड़की भाग गई थी उसे बिली और उसके साथियों ने पकड़ लिया था, लेकिन तभी वहाँ एड्रियन आ जाता है जो उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिली के साथी किसी तरह उसे बचा लेते हैं। वहाँ होमलैंडर दिखाया जाता है जो टीवी पर कह रहा था कि अगर हमें मिलिट्री जैसी आज़ादी दी जाती है तो शायद हम उस जहाज को बचा लेते। उसकी कंपनी की हेड भी यह सब सुन रही थी, उसे यह सुनकर बहुत खुशी होती है। वहाँ एड्रियन अपने दोस्त के पास जाता है जिसने बिली और उसके दोस्तों को इस बारे में सब कुछ बता दिया था। गुस्से में एड्रियन भी अपने दोस्त को मार देता है। यहाँ एड्रियन को द बॉयज की टीम का एक हिडन कैमरा भी मिल जाता है जिसमें वो बिली के दोस्त का चेहरा देख लेता है। अब वो उसे ढूंढकर मारना चाहता था, वे बिली के दोस्त को मारने वाला था। तभी वहाँ वे लड़की आ जाती है जो पहले भाग गई थी। वो यहाँ आती है और बिली के दोस्त को बचाती है, लेकिन द सेवन का मिशन इस लड़की को ढूंढकर मारना था। वहाँ एड्रियन का साथी उस लड़की को जख्मी कर देता है। उन्हें लगता है कि वह मर चुकी है लेकिन वह मरती नहीं है बल्कि उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे थे। अब द बॉयज की टीम को पता चल गया था कि यह सुपर हीरो कंपाउंड वी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे छोटे बच्चों का एक्सपेरिमेंट कर उन्हें सुपर हीरो में बदल देते हैं। अब बिली उस लड़की को अपने दोस्त के पास ले जाता है जिसने उसके दोस्त की जान बचाई थी जो पहले भाग गया था, जिस पर एड्रियन कंपाउंड वी का इस्तेमाल कर रहा था। बिली के दोस्त के पास दिमाग पढ़ने की शक्ति थी। अब अगले पार्ट में क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।